उज्जैन के तराना क्षेत्र के इटावा गांव की गौशाला में अनूठी पहल की जा रही है। यहां के लोगों को अपने घरों पर ले जाने के लिए दुधारू गाय निःशुल्क दी जाती है। इस गाय को लोग अपने घर पर ले जाते हैं और देसी गाय के दूध का उपयोग कर निरोगी रहने की कोशिश करते हैं। उज्जैन के तराना क्षेत्र में इटावा गांव की गौशाला में सैकड़ों गाय का पालन किया जाता है। लोगों को दूध देने वाली गाय दी जाती है, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। आपको बता दें कि जब गाय दूध देना बंद कर दे तो उस गाय को वापस छोड़ना पड़ता है। गौशाला में आकर सैकड़ों लोग ले गए हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अगर बात करें तो तराना तहसील के अंदर इटावा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र आती है वहाँ पर एक गौशाला बनी हुई है और इस गौशाला में सैकड़ों की संख्या में गायों को पाला जाता है, गायों को रखा जाता है और गायें स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उसको लेकर भी गौशाला में पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं यहाँ के जो गौशाला के जो है व्यवस्थापक और प्रबंधक कैलाजी पाटीदार साहब चर्चा करने के लिए मौजूद है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो गाय हैं, दूध देने वाली गायें हैं, उनको निःशुल्क लोगों को दी जाती हैं ताकि वह परिवार के साथ दूध खा सकें, गाय के दूध का उपयोग कर सकें और फिर जब वो गाय दूध ना दे तो उसके बाद वो गौशाला में छोड़ सकते हैं। किस प्रकार से इस गौशाला के जो लोग जुड़े हुए हैं पदाधिकारी, उनकी मंशा थी कि गायों के दूध के प्रति उनका रुझान रहे, साथ ही गायों को पालने के प्रति उनका रुझान रहे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कैलाजी पाटीदार साहब। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ क्राइस्ट न्यूज़ चैनल पर। साहब ये बताइए, ये आपके मन में किस प्रकार से ख्याल आया कि जो है गायों के इस प्रकार से दी जाए और फिर गायों का दूध लोग उपयोग कर सकें? ऐसा है कि अपने पुराने शास्त्रों में सब बताया गया है कि गौ माता जो है हमारी एक धर्म का मतलब प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने भी यहाँ पर आकर के गौ माता का जो संवर्धन किया और उन्होंने मथुरा छोड़ करके जहाँ गौ माता थी वहाँ पर गए वृंदावन में और गौ माता का उन्होंने कुल मिला करके संवर्धन किया। इसी प्रकार मेरे मन में भी ये ख्याल आया और एक संस्था बना करके हमने तय किया, इसमें संघ भी जुड़ा हुआ है कुल मिला करके, और इसमें ये तय किया कि जहाँ भी गाय नहीं हो, जिस घर गांव में गाय नहीं हो वहाँ पर गाय देना, और जिनके पास बैल नहीं हो उनको निःशुल्क बैल के देना, और वनवासी क्षेत्र में जैसे झाबुआ क्षेत्र है, अलीराजपुर है, उन सभी क्षेत्रों में हमने निःशुल्क बैल दिए हैं। जो अपनी वो मजदूरी करता था और एक तरफ एक हल खींचता था और एक तरफ मतलब बैल खींचता था, तो ऐसे लोगों को हमने निःशुल्क बैल भी दिए अपने संघ के माध्यम से। इसमें मठली गांव है, उसके आसपास अलीराजपुर में करीब करीब 60-70 गांव है, वहाँ 422 गाय दी है, और जहाँ पर मतलब ये सामूहिक शादी होती है वहाँ पर कन्यादान के लिए भी जो गाय देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं, और समाज में जो गाय देते हैं उनको निःशुल्क गाय देते हैं, जो 5 लीटर से 6 लीटर दूध देने वाली है। गिर खान की गाय है जो हम इसको मतलब गुजरात से लाए हैं, जामका से, और वहाँ से ला करके हम उनको यहाँ पाल करके, और जब वो दूध वाली हो जाती है तो हम उनको समाज में इसलिए देते हैं कि उनको भैंस का दूध छोड़ करके गाय का दूध खाने की आदत बने, जिससे उनको कोई शुल्क नहीं देते हैं, बिना पैसे से उनको गाय देते हैं। वापस आप जब वो दूध देना बंद कर दें तो वापस उस गाय को हमारी गौशाला में छोड़ दो, और छोड़ने के बाद में हम उनको दूसरी गाय दे देते हैं, जिससे उनको वापस गाय का मतलब दूध की एक आदत बने। तो देखा किस प्रकार से जो है इस गौशाला के जो व्यवस्थापक हैं और प्रबंधक हैं कैलाजी पाटीदार साहब ने बताया कि जो है हम गायों को निःशुल्क देते भी हैं ताकि जो आम नागरिक हैं, जो रहवासी हैं, उनको गायों का दूध आसानी से मिल सके और गायों का दूध का वह उपयोग कर बच्चे हष्ट पुष्ट सहित निरोग रह सकें। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।